लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जहां अपनी पहली लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था, वहीं आज दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें 43 कैंडिडेट्स का ऐलान कांग्रेस ने किया है। यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची जारी कर दी गई है। इसमें 4 राज्यों के 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की बैठक में इस सूची पर मुहर लगाई गई है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य सदस्य इस बैठक में शामिल थे। कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने बताया कि हमने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची पहले ही घोषित कर दी है। आज हम दूसरी सूची की घोषणा करने जा रहे हैं। कल CEC की बैठक की और असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान से लगभग 43 नामों की सूची को मंजूरी दी गई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई असम के जोरहाट से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि नकुल नाथ मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ के बेटे हैं, तो वहीं राहुल कासवां राजस्थान के चुरू से चुनावी मैदान में उतरेंगे। वैभव गहलोत जालौर से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से जहां पहली लिस्ट में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं का नाम था, वहीं दूसरी लिस्ट में भी कई बड़े नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ, तो वहीं राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत का नाम है जो जालौर से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इससे पहले CEC की बैठक 7 मार्च को हुई थी और 8 मार्च को 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी गई थी। इसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तेलंगाना और त्रिपुरा की लोकसभा सीटों के लिए नामों का ऐलान किया गया था। बता दें कि इससे पहले BJP भी अपनी पहली सूची जारी कर चुकी है जिसमें 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस की तरफ से पहली सूची में कम उम्मीदवार थे, 39 नामों का ऐलान किया गया था। वहीं अब कांग्रेस ने दूसरी सूची जारी कर दी है जिसमें 43 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट में जिन राज्यों से अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं उनमें असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड की सीटों पर ऐलान किया गया है। साथ ही साथ दमन एंड दीव की भी एक सीट के लिए प्रत्याशी की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश की सीटों की बात करें तो भिंड से फूल सिंह बैरिया को टिकट दिया गया है, वहीं टीकमगढ़ से पंकज अहिरवार को चुनावी मैदान में उतारा गया है। सतना से सिद्धार्थ कुशवाहा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। सीधी सीट से कमलेश्वर पटेल को टिकट मिला है। मंडला से ओमकार सिंह मारकाम को टिकट मिला है। वहीं छिंदवाड़ा से नकुल नाथ उम्मीदवार बनाए गए हैं। देवास से राजेंद्र मालविया को टिकट मिला है। धार से राधेश्याम, तो वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में बीकानेर से गोविंद राम मेघवाल को टिकट दिया गया है। चूरू से राहुल कासवां को टिकट मिला है। वहीं झुंझुनू से विजेंद्र ओला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अलवर से ललित यादव उम्मीदवार बनाए गए हैं। भरतपुर से संजना जाटव को टिकट मिला है। जालौर से वैभव गहलोत को चुनावी मैदान में कांग्रेस ने उतारा है। उदयपुर से ताराचंद मीना को उम्मीदवार बनाया गया है। उत्तराखंड की 3 सीटों पर कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, जिनमें टिहरी गढ़वाल, गढ़वाल और अल्मोड़ा सीट के लिए उम्मीदवार उतारे गए हैं। गढ़वाल से गणेश गोदियाल को टिकट दिया गया है। वहीं अल्मोड़ा से प्रदीप टमटा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।